स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 शेप एंड एंगल्स। देखिए, यहाँ पर रोहिणी एंड मोहिनी टू ट्विन सिस्टर्स है, ठीक है। तो उन्हें एक जैसा काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन वो शेप्स बना रही थे बैठे हुए, तो शैला ने उन्हें एक चैलेंज दिया कि रोहिणी कुछ शेप बनाएगी और मोहिनी उसको ही देख के शेप्स बनाएगी। तो उन्होंने बोला, ओह इट्स सिंपल, ये तो सिंपल है। अब देखिए आगे, अब जो मोहिनी और रोहिणी क्या करते हैं, शेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखेंगे रोहिणी ने कौन सी शेप बनाई है। देखिए, रोहिणी ने एक सिक्स क्लोज्ड शेप बनाई है। तो शैला ने क्या कहा था, इनको क्लोज शेप बनानी है। तो एक क्लोज शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। मोहिनी ने पूछा कि ये जो शेप बना रहे हो तुम, ये क्लोज है कि ओपन है। तो देखिए, अब क्लोज शेप क्या होता है, तो क्लोज शेप क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद होती है। जैसे ये सर्कल में भी क्लोज शेप है, और ये देखिए रेक्टेंगल में जो बनाए, ये भी आपकी क्लोज शेप है। और ओपन शेप कैसी रहती है, जो खुली रहती है चारों साइड से। ये देखिए, यहाँ से खुली है, तो ये भी आपकी ओपन शेप है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नाउ यू गिव द आंसर। अब आपको आंसर देने हैं, ठीक है। इज़ इट अ क्लोज शेप, डज इट हैव अ सिक्स साइड। तो अब देखेंगे आपके सिक्स साइड है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो उसमें सिक्स साइड है आपकी। तो अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे इसकी सिक्स साइड है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ऊपर भी जो मोहिनी ने बनाई थी, तो उसकी भी सिक्स साइड थी, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, इज़ इट अ क्लोज शेप, क्या ये क्लोज शेप है। सो यस, इट इज़ अ क्लोज शेप। डज इट हैव सिक्स साइड, क्या इसके सिक्स साइड हैं। अब देखते हैं हम, क्या इसकी सिक्स साइड है आपकी। 1 2 3 4 5 6, तो यस, इसकी भी सिक्स साइड है। बट इट इज़ नॉट सेम एज वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन, ठीक है। पर जो ये ऊपर शेप्स बनाई थी मोहिनी ने, ठीक है, वो सेम नहीं थी, ठीक है। तो वो भी अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब एक और शेप बनाई है, तो इसकी भी आपकी सिक्स साइड है ना। देखिए शेप इसकी भी सिक्स साइड से, आप गिन लेते हैं हम। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी भी कितनी साइड्स है आपकी, सिक्स साइड्स है, ठीक है। इज़ इट सेम एज़ द वन मेड बाय रोहिणी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो रोहिणी ने शेप बनाई थी, रोहिणी ने ये बनाई थी, और ये देखिए मोहिनी ने ये बनाई थी, तो क्या ये सेम है। तो नहीं, ये सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है ना। तो ये शेप जो है आपकी डिफरेंट है। अब मोहिनी, अब देखते हैं, तो ये शेप जो है अलग है, और ये शेप दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अब मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप। तो मोहिनी ने बार बार जो शेप बनाई, पर वो नहीं बनी। तो अब आगे देखते हैं, मोहिनी जो है अब टायर हो चुकी है बनाते हुए। तो शैला ने बोला कि अगर तुम एंगल बनाओगे उनके, अगर तुम स्टिक्स मैच स्टिक्स के एंगल बनाओगे, तो कॉर्नर से तुम सेम शेप बना सकते हो, ठीक। तो मोहिनी क्या बोलती है, ठीक है कि मैं ट्राई करती हूँ। अब देखेंगे आगे, ठीक है। तो मोहिनी अब ट्राई करती है। तो अब देखेंगे आपके एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अब हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं आपके। तो एंगल्स क्या होते हैं बेटा आपके, देखिए जो ये हो गया आपका, दो लाइंस हो गई, और इनके बीच में जो ये बनता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं हम, एंगल। तो ऐसे ही अब देखेंगे आप, 90 डिग्री किसे बोलते हैं। अब देखिए ये क्लोज शेप्ड है, जैसे जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसके जो एंगल बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। तो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और ऐसे, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसे बोलेंगे हम 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखेंगे, लुक एट द एंगल मार्क्ड इन द शेप। इससे पहले देख लेंगे इससे छोटा, जो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल्स, ये देखिए जो जो भी बन रहे हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, लेस देन 90 डिग्री, जो भी छोटे बनेंगे एंगल्स। ऐसे ही अब आपका जो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से अगर ये देखिए लेस देन हो गया और छोटा बनेगा, कहीं पर भी बनेगा, तो ये लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा आपका। और जो आपका बनेगा
मोर देन किसे बोलते हैं आप देखिए, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये देखिए ज़्यादा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये मोर देन 90 डिग्री हो गया आपका एंगल। ठीक है, अब देखते हैं, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द शेप, कैन यू सी द डिफरेंस। ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है जो शेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो शेप्स हैं, अलग अलग इसके एंगल्स हैं, तो क्योंकि जो सी हाउ डू मेक द एंगल्स, बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एंगल बन रहे हैं। अब देखिए, वाओ व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस, जब एंगल चेंज हो, शेप चेंज होते हैं, एंगल भी चेंज हो जाते हैं। अब प्रैक्टिस टाइम है, लुक एट द शेप एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब इनके आंसर देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, द एंगल्स मार्क इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन से जो कलर में एंगल है वो बिगेस्ट एंगल है। तो अब देख लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो वाइट में एंगल है, ठीक है, ये वाइट एंगल हो गया, ये भी छोटा है आपका, और ये जो है आपका, ये भी छोटे ही हो गए एंगल्स, है ना। अभी देखेंगे जो ये ब्लैक में है, तो ये सबसे बड़ा है एंगल। ठीक है, ये सबसे बड़ा एंगल है आप, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये 90 डिग्री हो गया, लेस देन, ये मोर देन 90 डिग्री हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो गया। अब देखेंगे आप जो आपका कैसे बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री से ये थोड़ा सा ही बड़ा है। कौन कौन सा, ये येलो वाले, ठीक है, येलो वाले थोड़े से ही बड़ा है, और जो वाइट वाला है आपका, वाइट वाला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही आएगा आपका इससे थोड़ा, अगर आप मेज़र करेंगे तो छोटा ही आएगा। अब देखिए जो ये ब्लैक वाले एंगल हैं आपके, ब्लैक वाले तो ये 90 डिग्री से बड़े बन रहे हैं। देखें, अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से, तो ये देखें 90 डिग्री से, अगर आप इनको देखेंगे तो ये 90 डिग्री से बड़े बन रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका, ठीक है, एंगल्स मार्क इन येलो आर इक्वल, जो येलो में मार्क है एंगल, क्या वो इक्वल है, यहाँ पर देखेंगे इसमें तो आपको बताना है। तो अब देख लेंगे हम, ठीक है, ये वाला है, नीचे वाला है, सेकंड वाला ए पार्ट, तो इसमें जो येलो वाले एंगल है आपके, देखेंगे अब, यस द एंगल मार्क्स विद येलो आर इक्वल, तो ये कैसे बन रहे हैं आपके, इक्वल बन रहे हैं। देखेंगे जो ये और ये दोनों इक्वल बन रहे हैं एंगल्स यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे आप, और ये जो वाले ग्रीन वाले एंगल हैं, ये भी इक्वल बन रहे हैं, तो यस द एंगल्स मार्क विद ग्रीन आर इक्वल, बी था आपका क्वेश्चन, तो ये भी आपके इक्वल हैं। अब सी देख लेंगे, आर द एंगल्स मार्क इन ब्लू आर इक्वल, तो ये ब्लू में जो एंगल बन रहा है, ये भी लगभग इक्वल बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे बेटा आपका, ठीक है।